बजरंगी भाईजान का चार्म चाइनीज मार्केट में दोस्तों धड़ल्ले से है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते हुए जा रही है। आपको बता दो दोस्तों कि बजरंगी भाईजान ने ज्यादातर वीकडे में ज्यादा अच्छा बिजनेस किया वीकेंड के कंपेयर में। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्राइडे को यानी कि 9 मार्च को जो एक्चुअल फिगर आया है वो है $1.75 मिलियन का। यानी कि अगर मैं टोटल बताऊं तो बजरंगी भाईजान ने दोस्तों $19.77 मिलियन का बिजनेस कर लिया है चाइनीज मार्केट में, जिसका मतलब इंडियन रुपीज में होता है 128.51 करोड़। अब देखिए सबसे अच्छी बात है ना ये है कि ब्लैक पैंथर जो कि अपने स्टार्टिंग डेज से ही बहुत ही बूम पे चल रही थी, वो उसने अपने सेकंड वीक में एकदम फुस्स बिजनेस कर दिया। लेकिन बजरंगी भाईजान जो है वो वीकेंड में ठीक ठाक शुरुआत हुई लेकिन वीकडे में एकदम ट्रिमेंडस सक्सेस पाई फिल्म ने। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो अभी सैटरडे संडे आ रहे हैं फिल्म और भी अच्छा बिजनेस करेगी एंड डेफिनेटली 150 के आसपास तक पहुँच जाएगी, 150 करोड़ के आसपास तक पहुँच जाएगी। आपको क्या कहना है इस बारे में ये मुझे बताइए। एंड हाँ, बजरंगी भाईजान जो है वो 5th पायदान पर है, top 10 में से 5th पायदान पर है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आफ्टर ऑल ये इंडियन सिनेमा है और हम हिंदुस्तानी को बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि ये हमारे भाईजान की फिल्म है यार। आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन आपका है, इस्तेमाल करो। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोजना।